हेलो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको अब तक बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मिल गया होगा आपके कन्वर्सेशन स्टाइल में। तो डेली मैं द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेके आता हूँ जिससे हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं और वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। कंपिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेइंग द कोर्स, स्टे मतलब रहना, टिके रहना। द कोर्स जो एक कोर्स चल रहा है उसी पे। कैसे? इन्फ्लेशन मे हैव मॉडरेटेड। मे हैव, मे वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी होती है। मे हैव मतलब शायद यूज होता है जिसके वर्ड के लिए। इन्फ्लेशन मे हैव मॉडरेटेड, तो इन्फ्लेशन मॉडरेटेड हो चुकी होगी। ए बिट मतलब थोड़ा बहुत। विजिल रिमेन्स, बट रिमेन्स ए थ्रेट दैट वारंट्स कॉन्स्टेंट विजिल। वारंट्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ का हकदार होना। दैट वारंट्स कॉन्स्टेंट विजिल्स मतलब जिसको ये है कॉन्स्टेंट विजिल। विजिल मतलब दृष्टि, एक हमेशा दृष्टि रखने के पात्र है ये। ओवर दिस वीक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन स्पोक एट लेंथ ऑन इंडिया इन्फ्लेशन बैटल। एट लेंथ मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया अच्छे से, बोली। इन्फ्लेशन बैटल जो महंगाई की लड़ाई है, सिग्नलिंग इट इज नो लॉन्गर एज ए रेड लेटर। रेड लेटर मतलब लाल अक्षरों में कौन से जो चिंता देने वाली बातें होती है, तो अब ये ज़्यादा चिंता देने वाली बात नहीं है, रेड लेटर नहीं है। ए प्रायोरिटी एज देर आर मोर बिग पिच परसूट्स। परसूट्स क्या होता है? प्रियतन, एंडेवर। तो ये बोल रहे हैं ए प्रायोरिटी, प्राथमिकता दे एज देर आर मोर बिग पिक्चर परस्यूट्स सच एज क्रिएटिंग जॉब्स। महंगाई को छोड़ के जॉब जनरेट करना। सस्टेनिंग ग्रोथ, सस्टेनिंग ग्रोथ मतलब जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक ना हो। इन्वायरमेंट एंड ग्रोथ दोनों इकट्ठे चलें। एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल मतलब सबके पास बराबर। इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। द गवर्नमेंट सी रिमार्क हैज शोन इट्स एबिलिटी टू टैकल इन्फ्लेशन। मतलब सी रिमार्क, उसने कहा। सी रिमार्क मतलब उसने बात नोट की। द गवर्नमेंट हैज शोन इट्स एबिलिटी टू टैकल इन्फ्लेशन। तो यहाँ से सेंटेंस टू स्टार्ट कर सकते थे, बताए उन्होंने कोमा लगा के कर दिया। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सी रिमार्क, उसने रिमार्क्स किया, उसने बातों पे कहा क्या। द गवर्नमेंट हैज शोन इट्स एबिलिटी। गवर्नमेंट अपनी एबिलिटी दिखा चुकी है टू टैकल इन्फ्लेशन, महंगाई को टैकल करने के लिए। हैविंग ब्रोट, हैविंग ब्रोट क्या मतलब? लाई गई हैविंग ब्रोट लाकर इट्स डाउन टू ए समवट मैनेजेबल लेवल। समवट मतलब कुछ मैनेजेबल लेवल पे लाकर उन्होंने कैपेबिलिटी दिखा दी द गवर्नमेंट ने। इज द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, कुछ पिछले कुछ महीनों में। द फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है इन्फ्लेशनरी प्रेशर टू बी कैप्ट। टू बी कैप्ट मतलब उस पर रोक लगा दी जाएगी। ड्यू टू स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट सिंस कंज्यूमर इन्फ्लेशन हिट ए 8 ईयर हाई ऑफ 7.8%। मतलब 7.8% हो गई है। इसको कैसे कंपेयर करते हैं? जो पिछले ईयर का सेम क्वार्टर होगा उसी से कंपेयर किया कि भाई कंज्यूमर जो इन CPI महंगाई है, जो CPI इन्फ्लेशन है, वो 7.8% बढ़ गया पिछले साल के इस क्वार्टर के कंपैरिजन में। दिस अप्रैल, इस अप्रैल में द रिसेंट डिप, जो रिसेंट हाल ही में डिप मतलब डाउन हुई है इन कमोडिटी प्राइजेस। 2 जुलाई रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ 6.71% वाज ए रिलीफ। तो जुलाई में ये 6.71% आ गई, एक रिलीफ था, राहत थी। इट स्टिल रिमेन अनकम्फर्टेबली अबोव दी 6% ऑफिशियल टॉलरेंस थ्रेशोल्ड। आपको पता है कि MPC होती है, मनीटरी पॉलिसी कमेटी, जो टारगेट करती है कि महंगाई 4 से 6 के बीच में रहनी चाहिए। मतलब 4 ± 2 की बात होती है, मतलब 2 से 6 के बीच में मानते हैं। तो ये 6% का जो टॉलरेंस थ्रेशोल्ड मतलब एक लिमिट रखी गई, उससे भी आगे है। प्राइस राइज इन रूरल इंडिया हैज़ बिन मच शार्पर, हैज़ बिन मच शार्पर। तो जो प्राइस राइज रहे हैं रूरल इंडिया में, हैज़ बी की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पे, तो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइज रहे हैं। हैज़ बिन मच शार्पर एवरेजिंग 7.6% इन 4 months ऑफ 2022-23। मतलब जो फिस्कल ईयर 2022-23 चला हुआ उसके पहले 4 महीने में 7.6 पे रही है महंगाई, ओवर 7% थ्रू 2022 सो फार। अब तक 2022 में 7% से ऊपर रही है। कंपेयर टू दी ओवरऑल एवरेज कंजप्शन इन्फ्लेशन ऑफ 7.14% एंड 6.79% फॉर 2 टाइम फ्रेम्स। तो ये बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली।
तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 7.14 रही है, 6.79 रही है। वाइल हेडलाइन मंथली नंबर्स अफेक्टेड सेंटीमेंट्स, जो हेडलाइन है ऊपर तौर से देखें, मंथली नंबर्स अफेक्ट सेंटीमेंट, इफेक्ट होता है अच्छा प्रभाव, बट अफेक्ट होता है बुरा प्रभाव सेंटीमेंट पे डाल रहे हैं। ए प्रोलोंग लंबे टाइम के लिए स्पेल ऑफ हाई इन्फ्लेशन, स्पेल क्या होता है दौरान, ए प्रोलोंग बहुत लंबा स्पेल ऑफ हाई इन्फ्लेशन इज मोर डेलीट्रियस, डेलीट्रियस होता है एबनोक्सियस, हानिकारक फॉर हाउस होल्ड्स एबिलिटी, हाउस होल्ड की जो योग्यता है, एंड प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी क्या होता है जैसे आपकी जो उपलब्धियाँ होती है टू स्पेंड, प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए पैसा कम होगा। डेंटिंग डिमांड, डिमांड को हार्म कर रही है, डेंट डाल रही है, एंड ग्रोथ इम्पल्स, ग्रोथ जो इम्पल्स उनको भी हार्म पहुँचा रही है। इम्पल्स क्या होता है उनके आगे बढ़ने का, जैसे वेव लेंथ बढ़ती है वैसे ही, दैट मेक कैटालाइज, तो ये क्या कर सकता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ये कैटालाइज कर सकता है, ये कैटालाइज कर सकता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री, ये उत्प्रेरक का काम कर सकता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री। द अनइवन मानसून सो फार, जो अब तक अनइवन मानसून रही है, कुड फर्दर वीकन, ये कर सकती है, कुड फर्दर वीकन रूरल डिमांड, गांव की जो डिमांड है उसको कम कर सकते हैं। इवन एज वरीज अबाउट द लोअर सोइंग ऑफ पैडी, जैसे धान की खेत बिजाई कम हुई है, सोइंग मतलब बोना, एंड पल्सेस आर स्पर्रिंग, स्पर्रिंग होता बढ़ना, देयर प्राइस हायर इन द रिसेंट वीक्स, तो पल्सेस के दालों के प्राइस बढ़ रहे हैं। द आरबीआई जो है बिलीव करता है दैट इन्फ्लेशन, बिलीव्स आ गया तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट वर्ब के साथ एस लगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द आरबीआई बिलीव्स दैट इन्फ्लेशन हैज़ पीक्ड इन इंडिया, इन्फ्लेशन इंडिया में पीक पे पहुंच गई है, बट डेप्टी गवर्नर माइकल पात्रा इज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मतलब सहमत नहीं है, अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मॉडरेटिंग प्राइस डिस्पाइट लोअर कमोडिटी कॉस्ट, तो ये माइकल पात्रा हैं जो नॉट एंटायरली कन्विंस है, डिप्टी गवर्नर कन्विंस नहीं है कि अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, जो ड्यूरेबिलिटी है मतलब सस्टेन कर सकती है जो मॉडरेटिंग प्राइस, प्राइस कम होने की डिस्पाइट के बावजूद लोअर कमोडिटी कॉस्ट, लोअर कमोडिटी कॉस्ट के, नथिंग दैट अपसाइड रिस्क परसिस्ट, अपसाइड रिस्क जो हैं परसिस्ट बने रहेंगे। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अगस्त ड्यू टू नेक्स्ट वीक सम रैकन, रैकन मतलब समझते हैं तो या अनुमान लगा रहे हैं, सम रैकन कुड टेक इन्फ्लेशन क्लोजर टू 7% अगेन, तो जो सीपीआई रहा है सितंबर अगस्त के महीने में तो सेम ये आगे जा सकता है 7% तक, पार्शली बिकॉज फूड प्राइस राइज द अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ द सीपीआई हैड डिप्ड टू 5-month लो इन जुलाई, तो ये बात कर रहे हैं कि जो पार्शली अगर आधे तौर पे देखें, बिकॉज फूड प्राइस राइज, फूड के प्राइस राइज हो रहे हैं, दैट अकाउंट्स जो काउंट होते हैं कितने 40% जो कमोडिटी और बास्केट कमोडिटी होती है उनमें 45% तो फूड प्राइस, फूड आइटम होते हैं, एंड हैड डिप्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, ये जा चुके थे 5-month लो इन जुलाई, जुलाई में 5 महीने का लो जा चुके थे, मे हैव रिसर्ज दोबार से ऊपर आ सकते हैं, वाइल वन शुड होप द वर्स्ट इज बिहाइंड, हर एक आदमी वन शुड सोचना चाहिए, होप दैट वर्स्ट इज बिहाइंड मतलब बुराई जो है पीछे रह गई, इट इज़ टू अर्ली टू लेट द गार्ड डाउन, इट इज़ टू अर्ली मतलब बहुत जल्दी है, टू लेट द गार्ड डाउन मतलब अपनी सुरक्षा को नीचे रख देना। ऑन थर्सडे मिस सीतारमन सेड दैट मॉनिटरी पॉलिसी टूल सच एज इंटरेस्ट रेट हाइक्स, महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई कर देते हैं तो मार्केट में पैसा कम हो जाता है और महंगाई कम हो जाती है, पर उससे ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये बोल रहे हैं कि टूल जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक्स अलोन कैन नॉट टेम इन्फ्लेशन, ये टेम मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे आपके जू में टेम किए हुए एनिमल्स होते हैं वैसे ही पढ़ाई लिखाई हुए, वैसे ही टेम नहीं हो सकता, एंड नज मतलब पुश करना, द आरबीआई टू नॉट बी एज सिंक्रोनाइज विद इट्स डेवलप्ड वर्ल्ड काउंटर पार्ट्स, तो सिंक मत करो, जैसे कि यूएसए में वो प्राइस हाइक कर रहे हैं अपनी ग्रोथ महंगाई को रोकने के लिए, तो उनके साथ सिंक मत करो, उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन मत करो, इट्स डेवलप्ड वर्ल्ड काउंटर पार्ट्स, जो डेवलप्ड वर्ल्ड काउंटर पार्ट्स है, व्हेन ग्रोथ नीड्स टू बी अनफेटर्ड, ग्रोथ नीड्स टू बी अनफेटर्ड मतलब अनफेटर्ड मतलब बिना रोके टोके ऐसे खुली चाहिए। द एम्फेसिस जोर देना ऑन ए मल्टी प्रोंग मतलब कई तरह के पहलू, अप्रोच टू कंटेन इन्फ्लेशन, महंगाई को रोकने के लिए कई तरह के अप्रोच चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि 45% कमोडिटीज़
अगर मान लो आप दाल खरीदने के लिए मार्केट में लोन थोड़ी लेने जाते हो, तो इससे महंगाई कम, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मल्टी प्रोंग अप्रोच अपनाना चाहिए, जैसे कि फ्यूल प्राइस पे कंट्रोल करना चाहिए। वैसे ही बात है कि अप्रोच टू कंटेन इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग बेटर लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स जैसे, क्योंकि फ्यूल प्राइस कम होगा लॉजिस्टिक प्राइस भी कम होगा। फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसी मूव्स, फिस्कल पॉलिसी मूव मतलब फिस्कल पॉलिसी क्या है कि लोन लेने दिया जाए स्टेट्स गवर्नमेंट को, फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसी मूव, ट्रेड पॉलिसी भी के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, सच एज एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है यहाँ से ले जा रहे हैं तो ऑन राइस लेटर दैट इवनिंग इज़ करेक्ट, तो इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर इम्पोज करो। हर फ्लैगिंग ऑफ वाइड वेरिएशन, तो मान लो यहाँ पे राइस कम होगा तो इम्पोर्ट बाहर से राइस आ रहा है तो उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दो। हर फ्लैगिंग मतलब उसने जो झंडा उठाया है मतलब ऑफ वाइड वेरिएशन इन स्टेट्स इन्फ्लेशन ट्रेंड्स एंड लिंकिंग हाई इन्फ्लेशन इन स्टेट्स टू दी फेलियर टू कट पेट्रोलियम प्राइस मे बी हैड ए टेड पॉलिटिक, मे बी मतलब शायद हो सकती है टेड पॉलिटिक्स हो सकती है पॉलिटिक्स के मारे, बट द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एक्सपीडिटसली। एक्सपीडिटसली क्या होता है, एकदम तेजी से, ऑन हर कॉल फॉर ए मैकेनिज्म वेयर द सेंटर एंड द स्टेट वर्क टूगेदर टू टैकल प्राइज राइज। तो इस अभियान को, एक्सपीडिशन को, तो उसने आगे लेके जाना है प्राइज राइज को, दैट वुड बी मोर इफेक्टिव, यह इफेक्टिव होगा, दैट वुड बी मतलब ये कहाँ पे, जहाँ पे आपको डाउट होता है या पॉसिबिलिटी बोलते हैं ना कि वह अपने कमरे में होगा, फ्यूचर का टेंस नहीं है ये, बट पॉसिबिलिटी का है दैट ही वुड बी इन हिज रूम, वो अपने कमरे में होगा, वैसे ही दैट वुड बी मोर इफेक्टिव, यह अच्छा तरीका होगा इन इंश्योरिंग दैट इन्फ्लेशन इमीडिएट टर्म मॉडरेट इज ड्यूरेबल, इट कैन बी रीएक्टिवेटेड, दोबारा से रीएक्टिवेट किया जा सकता है, सो दैट फ्यूचर पॉलिसी रिएक्शन आर क्विकर, फ्यूचर पॉलिसी के क्वेश्चन रिकर रहे एंड मोर श्योर फूटेड एंड कोहेसिव, मतलब श्योर फूटेड पक्के रहें एंड कोहेसिव मतलब सबको साथ में लेके चले। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज वारंट्स। वारंट्स का मतलब होता है ऑथराइज करना, पात्र होना। वी कैन टेक एग्जाम्पल ए सर्च वारंट या अलाउज द पुलिस टू सर्च ए हाउस, ऐसे ही बोलते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, आई डोंट थिंक हर बिहेवियर वारंट सच क्रिटिसिज्म, मतलब उसका बिहेवियर पात्र है सच क्रिटिसिज्म का। कैप मतलब किसी पे रोक लगाना, माउंटेन्स कैप द विद स्नो मतलब ढकी रहती हैं। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि हैबिट ऑफ बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर वे, ही शोड ए प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस, मतलब उसका झुकाव क्या है वायलेंस पे है। डेलीट्रियस होता है हार्मफुल, अफेक्ट होता है किसी पे बैड इफेक्ट देना। हर पर्सनल प्रॉब्लम सीम्स टू बी अफेक्टिंग हर वर्क। सो मतलब बोना, टू सो सीड्स इन पॉट। रैकन का कंसीडर करना, मानना। आई रैकन जैसे मैं मानता हूँ द जर्नी विल टेक अबाउट हाफ एन आवर, 1.5 घंटा लगेगा। अनफेटर्ड होता खुला हुआ, अनरिस्ट्रेन अनरिस्ट्रिक्टेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।